अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियों के साथ सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रहना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़े गैप के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और इन तमाम कहते ना, कभी कभी इंसान के गैप भी अच्छा होता है, चले खैर है जो भी हुआ। मगर बात यह है कि ज़हरा काज़मी केस के हवाले से आपके साथ इतने टाइम तक साथ रहे और इतनी सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ उसमें शेयर की, तो उसके बाद कैसे हो सकता है कि इस केस के अंदर जब भी कुछ न्यू एक्टिविटी हो या कोई नई चीज़ आए तो आपके साथ शेयर ना की जाए। तो इसलिए एक बार फिर से न्यू मोटिवेशन के साथ, न्यू समझिए कि तरीके से आपके सामने आ रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाए। अच्छा जी, रिसेंटली ज़हरा काज़मी जो है वो अपने घर आई, उसके बाद जो है वो 27 तारीख यानी कि 27 अप्रैल को कल उनकी बर्थडे भी मनाई गई। बड़े शानदार तरीके से मेहदी काज़मी साहब और साइमा भाभी ने जो है इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि बच्ची ने जो है वो खूबसूरत तरीके से, उन्होंने ना सिर्फ अपने घर को, अपने घर के सहन को डेकोरेट किया हुआ था, उनके ननियाल में बर्थडे सेलिब्रेट की गई। वो बहुत अच्छा लगा देखकर। ये वीडियो जब मेरे सामने आई तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई क्योंकि हमने जिस तरह से इस केस के अंदर काम किया था और इस मगविया बच्ची को जिसके उठा कर ले जाया गया और जिसके बाद एक प्रोपोगंडा सामने आया, जिसके बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात माँ बाप के किरदार पर लगाए गए, ना बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हम यूट्यूबर्स के ऊपर लगाए गए। और एक बात की गिरदान के बच्ची खुद भागी थी, बच्ची खुद गई थी, खुद प्यार में जाकर गई और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब बच्ची वापस भी आई, बच्ची जब अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए उसने अदालत के अंदर इजहार किया कि हाँ मैंने वालदैन के साथ जाना है, उसके बाद भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक डील के तहत बच्ची घर जा रही है कि कुछ अर्से के बाद जो है वो वापस जहीर के पास चली जाएगी। ये वो तमाम इल्ज़ाम थे जो वो तमाम अफवाहें थी। उसके बाद इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को आपस में भी लड़वाने की कोशिश की, कुछ को मेहदी साहब के भी अगेंस्ट खड़ा किया। ये सारा कुछ होने के बाद आखिर बच्ची घर आ गई। अब लोगों को वेट किस चीज़ का है? लोगों को वेट था कि बच्ची अपने मुंह से एक इंटरव्यू देगी और उसके अंदर वो होने वाले तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेगी। ठीक है, हमारे मुंह से आपने शुरू से लेकर आज तक की बहुत सारी अपडेट थी। गैंग की कोशिश थी कि ना सिर्फ माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाए बल्कि तमाम यूट्यूबर्स जो कि इसके अंदर काम कर रहे थे उनको भी गाय बगाए उन्होंने खींचा, रगड़ा लगाया, उनके भी सही सही करके उनकी भी जो है वो लाइन हासिल की गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कभी अगर आप किसी केस के लिए खड़े हुए उस वक्त हमारा मोटिवेशन, हमारे लिए क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी जिस पर मैंने काम किया, वो था कि एक माँ बाप जिनकी औलाद छिन गई, ठीक है, उसके बाद हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, उनका रवैया कितना संगीन था। ठीक है, साफ बात बता रही हूँ, एक तो हमारी जो आप कह लीजिए अदालतों का जो रवैया रहा उसको एक तरफ रख दीजिए, उसके अलावा जो हमारे कानून साजी है उसके अंदर कितनी चीज़ें कि अगर हमारे खुदा ना खास्ते हम माँ बाप जो पाकिस्तान में रहते, अगर हमारी बच्चियाँ भी इस तरह से लापता हो जाए, हमारी अगर 14-15 साल की बच्ची घर से लापता हो जाती है और हम फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो हमें कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उल्टा हमें ही ब्लेम किया जाएगा और हमारी बच्ची को हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया जाएगा और कहा कि भाई ये तो खुद भागी गई है या इसकी अपनी पसंद से शादी की गई, इसका तो निकाह हो चुका है। माँ बाप इस चीज़ पे खड़े रहे और माँ बाप मेहदी साहब को सलामी के वो खड़े रहे और डटे रहे, तो ये एक केस हमारे लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बना और उनकी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर इस मुल्क में क्या जानवरों का कानून है, यहाँ पर क्यों कानून साजी नहीं की जाती, यहाँ पर किस तरह से किसी भी बच्चे को उठाकर ले जाया जाता है और उसको निकाह बिल जबर कह के मार पीट के निकाह करवा दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप को ये कर देंगे, तुम्हारी छोटी बहन के साथ ये कर देंगे और उसके बाद उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की जाती है। आज ज़हरा काज़मी की मुस्कुराहट, आज बच्ची अपने घर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ खैरियत के साथ, माँ बाप की खुशी, उन्होंने बच्ची की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई क्योंकि उन्होंने कितनी नींदें हराम की, कितने साल उनको लगे, एक साल पूरा उनको लग गया अपनी नींदें और दिन रात की चैन, मगर एंड ये हुआ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बच्ची जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, जिसको ज़बरदस्ती उठा लिया गया था, जिसके पीछे दसियों कहानियाँ बनाई गई और आज वो अपने घर पर खैर वाफियत के साथ है, देख के आंखों को ठंडा लगा। और यही चीज़ थी कि जिस केस में मैं खुद जब इस केस के अंदर आई थी या इसमें जब मैं बात करने के लिए मैं खड़ी हुई थी, तो मेरा एक ही काम था कि मुझे था कि बस ये बच्ची किसी तरह घर आ जाए, कुछ भी हो, यहाँ जो झूठे मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा था माँ बाप के खिलाफ, बच्ची के ख़िलाफ़, और सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं होती, साफ बात है। यहाँ पर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए गलत रिपोर्टिंग आपके सामने कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि वो दूसरा गैंग जो था, एक और गैंग हमारे यूट्यूब के ऊपर जिनका कब्ज़ा था, जो लाइव सेशन कर करके आप लोगों को बदगुमान कर रहे थे, उस वक्त हमारे बहुत से चैनल ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ सही चीज़ें शेयर की और आपको
तसल्ली दी और आपके लिए वो तमाम चीज़ों को दिखाया गया कि नहीं आप गलत मत सोचिए, ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाब हुए, सद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज की वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस केस के अंदर इसको फॉलो करते रहे, हमारे लाइव सेशन में आते रहे, हमसे दुआएं, हमें दुआएं करते रहे, दुआएं भेजते रहे, माँ बाप के साथ जुड़े रहे, आप सबके लिए खुशी के लम्हा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कभी इस तरह से बच्चे, जैसे अभी एक और बच्चे का भी केस हो गया था, होता रहता है, ये डेली बेसिस पर उठाई जाती हैं जो रिपोर्टें हैं ना उसके हिसाब से कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में बच्चियाँ उठाई जाती हैं। मगर वही बात है कि माँ बाप और कानून आपने देख लिया कितना पैसा मांगता है, कितना टाइम मांगता है, मगर गरीब जो जिसको दो वक्त की रोटी की पड़ी हो, जिसके सब पीछे छः सात बच्चे और बैठे हो खाने वाले, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एक बच्ची गई, पीछे चार आठ बच्चे जो बैठे हैं उनको कैसे खिलाएंगे अगर इसी बच्चे के पीछे लग जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि लोग फिर अपनी औलादों से दस्तबरदार होते हैं। मेरा तो उस वक्त भी मुतालबा था, मेरा आज भी है कि कानून साजी की जाए, ये जो निकाह है, ये जो वली के बगैर निकाह हो रहा है, या निकाह की जो शिकें हमारे यहाँ कोर्ट मैरिजेस बड़े आसान तरीके से कर दी जाती है, उसकी रोकथाम की जाए, पक्के डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँ, बच्चियों को देखा जाए कि वाकई का ही कोई 18 साल के ही, कोई छोटी कम से बच्चियों की तो निकाह नहीं कराए जा रहे। इसके ऊपर बड़ी इस कानून साजी करने की ज़रूरत है। और जो कब होगा आई डोंट नो, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, कानून तो क्या, यहाँ तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, कानून साजी कौन करेगा, अल्लाह जाने। इस सब पर भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी, चैनल पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि आपके साथ अब डेली बेसिस पर इसी तरह की बातें हों, इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है, क्योंकि मेरे पुराने देखने वाले मुझे चाहते हैं, मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप कहाँ लापता है। तो बस कुछ ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगियों में भी कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही होती है, अपनी भी कुछ एक लाइफ होती है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी हमारा टाइम चाहिए होता है, एक ज़िंदगी है हमारी भी, एक सिलसिला होता है ज़िंदगी का। इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह मुझे नहीं, इजाज़त अपना रखिएगा, ख्याल तुम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।